नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं रेड माल्टे की खेती के बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके अंदर प्रति एकड़ कितनी कमाई होती है। तो हर साल रेड माल्टे का जो रेट है वो अलग अलग रहता है, कभी 20 रुपये, कभी 30 रुपये, कभी 40 रुपये, कभी 45 रुपये, ऐसा रेट है। हर साल ये रेट बदलता रहता है। और प्रति एकड़ अगर मैं एवरेज की बात करूं तो पंजाब के अंदर एक एकड़ के अंदर करीब करीब 1.5 किला होता है और राजस्थान में 2.5 बीघा। तो मैं प्रति एकड़ उस हिसाब से लेके चल रहा हूं। आप अपने स्टेट के हिसाब से, जिस भी स्टेट से आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने हिसाब से एक एकड़ का अनुमान लगा लें। तो माल्टे की अगर हम कमाई की बात करें तो एक एकड़ के अंदर करीब करीब इसके 170 प्लांट लग जाते हैं। और हर प्लांट के ऊपर ऊपर अगर आपका जो बगीचा है माल्टे का, अगर वो पूरा आपका मैच्योर हो गया है, तो मैच्योर होने के बाद ये आराम से 1 क्विंटल 1.5 क्विंटल इतना आराम से इसका फ्रूट इसके बीच में आराम से रहता है। वो भी फ्रूट के ऊपर डिपेंड करता है कि हर साल इसकी जो फ्रूटिंग है वो अलग अलग आती है, कई बार कम कई बार ज़्यादा। तो अगर आप 1 क्विंटल एक पौधे का एवरेज मान के चलें तो 170 क्विंटल हो गया एक एकड़ के अंदर। और इसको आप एवरेज के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आप देख लेना कि कितना रेट इसका बढ़ता है। 20 रुपये बिक जाता है, कभी 30 रुपये आपसे खेत से लेके जाता है, कभी 40 रुपये खेत से लेके जाता है। ये चीज़ वेरी करती रहती है। तो एक एकड़ के अंदर पौधों की संख्या अगर आप 18 बाई 20 फीट के ऊपर अगर आप एक एकड़ के अंदर अगर आप बाग लगाते हैं तो पौधों की संख्या आती है 170। और ये तो हो गई इसकी कमाई की बात। अब बात करते हैं कि जब आपका बगीचा ही तब फ्रूट देना स्टार्ट कर देता है। ये करीब करीब आपका बगीचा 5 साल के बाद फ्रूट देना स्टार्ट करता है। धीरे पहले साल थोड़ा कम आता है, फिर धीरे धीरे साल बाई साल ये धीरे धीरे इंक्रीज हो जाता है। और किन्नू की खेती से इसकी खेती कैसे थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि इसकी जो तुड़ाई है फ्रूटों की वो अक्टूबर नवंबर के महीने में कंप्लीट हो जाता है। अक्टूबर नवंबर महीने में आप आराम से इसको इस बाग को ठेके पे दे सकते हैं, आप इसको तोल पे इस बाग को बेच सकते हैं। किन्नू में यही काम, नवंबर में किन्नू कच्चा रहता है और दिसंबर जनवरी में जाकर किन्नू अच्छी तरह पीला होकर पकता है। तो जनवरी फरवरी मार्च तक इसका चला जाता है, तो किन्नू का थोड़ा लेट हो जाता है। तो माल्टे की खेती आप कर सकते हैं, ये 100% प्रॉफिटेबल खेती है, आराम से आप कर सकते हैं। अब दूसरा बात करते हैं कि इसका हम जैविक तरीके से किस तरीके से रख रखाव करते हैं। आपको ये बगीचा दिख रहा है, इस बगीचे के अंदर हर साल कम से कम 20 से 30 किलो पर प्लांट और इसको जो तैयार की हुई वेस्ट डीकंपोजर के घोल के द्वारा और दो गाय के अर्क के द्वारा तैयार की हुई गोबर की खाद को हर साल इस बगीचे के अंदर डाली जाती है। इतनी डाली जाती है कि हर कोने में पहुंच जाए। और उसके बाद इसको हर एक महीने के अंदर 1.5 महीने के बाद पानी लगाया जाता है। तो पानी, जब भी इसको पानी की ज़रूरत हो तब पानी लगाए, ये कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है कि इस टाइम ही पानी लगाए। जब आपके बगीचे को ज़रूरत हो पानी की तब आप उसको पानी दें। जब आप उसको पानी देंगे उसके साथ आपको 500 से 1000 लीटर तैयार किया हुआ वेस्ट डिकम्पोजर प्लस तैयार किया हुआ जैविक सूक्ष्म पोषक तत्व उसके अंदर 10% डाल देंगे, प्लस 10 से 20% तक जैविक कीटनाशक उसके अंदर डाल के आपको पानी के साथ जाने देंगे। ये तो हो गया, जितने भी आप पानी लगाएंगे उसके साथ आप ये प्रोसेस करेंगे। आपने रूढ़ी डाल दी पानी के साथ, आप वेस्ट डीकंपोजर सूक्ष्म पोषक तत्व जैविक कीटनाशक ये सब चीज़ें दे रहे हैं। उसके बाद आता है इसके ऊपर स्प्रे के माध्यम से इसको किस तरीके से पोषक तत्व जो भी पौधों को ज़रूरत होती है उनको ग्रोथ करने के लिए, हेल्थी जीवन के लिए
वो हम स्प्रे के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। दूसरी चीज़ इसको आपको इसके ऊपर जो रोग आते हैं जैसे लीफ माइनर, सिट्रसिला, ये सब प्रकार के इसके ऊपर भी जो रोग आते हैं, क्योंकि ये भी एक सिट्रस प्लांट ही है, जैसे किन्नू, रेड माल्टा, मौसमी, उसमें माल्टा एक सिट्रस प्लांट है, तो इसमें भी वही सभी बीमारियाँ आती है, पर किन्नू की तुलना में इसके अंदर बीमारियों का प्रकोप कम रहता है। तो आप बीमारी के हिसाब से 10 आपने मान लीजिए 2000 लीटर की पानी की टंकी ली, उसमें 500 लीटर आपको वेस्ट डिकम्पोजर डालना है, और उस 2000 लीटर का बीमारी के हिसाब से अगर आपका बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है तो आप जैविक कीटनाशक की परसेंटेज बढ़ाएंगे। नॉर्मली हम 10% डालते हैं, आप अगर बीमारी का प्रकोप ज़्यादा है तो इसकी परसेंटेज 20-30-40-50% तक कर सकते हैं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, आपको इसमें फ़ायदा होगा। तीसरा, इसके अंदर 10% जैविक सूक्ष्म पोषक तत्व हम अच्छी तरह से छान के इसके अंदर डालेंगे। पहली स्प्रे हम करेंगे जब आपका फ्रूट सेट हो जाता है बिल्कुल सरसों के दाने के आकार जितना, तब उसके फिर हर एक महीने के बाद आपको एक एक स्प्रे रिपीट करनी है, टोटल आपको 5 स्प्रे इसके अंदर करनी है। उसके बाद आपका जो बगीचा है वो 10वें और 11वें महीने के अंदर जो फ्रूट है वो टूटने के लिए आपका तैयार हो जाता है, आप आसानी से इसको बेच सकते हैं। और अगर आप किन्नू की खेती के बारे में पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरा कोई किसान भाई वेस्ट डिकम्पोजर की बोतल अपने घर पे ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके जाके अपने अमेज़ोन के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे मंगवा सकते हैं।